चलिए रुक कर लेते हैं राजधानी जयपुर की ओर, जहां पर राजधानी जयपुर में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है डोडा पोस्ट को लेकर के। तो आइए नजर डालते हैं कि आखिरकार कितनी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद किया गया और कहां पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस थाना विश्वकर्मा जयपुर पश्चिम द्वारा थानाधिकारी पुलिस थाना सदर जयपुर पश्चिम के इनपुट पर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मादक पदार्थ डोडा पोस्ट के अवैध व्यापार का भंडाफोड़ करके डोडा पोस्ट के गोदाम पर छापा मारा गया। 46 क्विंटल अवैध डोडा पोस्ट व डोडा चूरा भी बरामद किया गया है। कीमत करीब 1.5 करोड़ रुपए बताई जा रही है। झोटवाड़ा पुलिस थाना द्वारा की गई इसमें बड़ी कार्रवाई तो वहीं गिरफ्तार मुस्लिम तौफीक अली से पूछताछ पर जुट गई है कड़ी। पशु आहार के व्यापार के आड़ में मादक पदार्थ के सौदागरों का बड़ा कारनामा है। वहीं ऋचा तोमर IPS पुलिस उपायुक्त महोदय जयपुर पश्चिम ने बताया कि आयुक्तालय जयपुर के द्वारा ऑपरेशन क्लीन स्वीप के तहत मादक पदार्थों के खिलाफ मुहिम संचालित कर रखी है, जिसके तहत जिला जयपुर पश्चिम के समस्त थानाधिकारियों को मादक पदार्थों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए थे। के एरिया में ऐसे NDPS की काफ़ी सामग्री है। जब SHO झोटवाड़ा ने अपनी DST वेस्ट की टीम के साथ पे उस सूचना को डेवलप किया और उस पर एक्शन लिया तो वहाँ पे काफ़ी मात्रा में डोडा पोस्ट बरामद हुआ, अफीम बरामद हुई, काफ़ी कैश बरामद हुआ और उस पूरी कार्रवाई में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई। उन आरोपियों को पुलिस कस्टडी का पर लेके आया गया। जो FIR रजिस्टर हुई थी उसका अनुसंधान SHO सदर के द्वारा किया जा रहा था। गिरफ्तार शुदा मुलजिम तौफीक, जो अफीम का बड़ा सरगना है, स्पेशली इंटर स्टेट है और राजस्थान में तो सबसे बड़ा नेटवर्क तौफीक का ही है। SHO सदर ने DST वेस्ट और CST टीम के सहयोग से उससे सघन पूछताछ की, उसमें जो इंफॉर्मेशन मिली उसको डेवलप किया गया। उस इंफॉर्मेशन, उस इनपुट के आधार पर एक बड़ी कार्रवाई थाना VKI के एरिया में हुई, जिसमें लगभग 48 क्विंटल अफीम डोडा पोस्ट को सीज किया गया। ये पूरी की पूरी कार्रवाई तौफीक की निशानदेही पर हुई। अभी फिर से हम 6 के 6 आरोपियों को पुलिस कस्टडी पर लेके आए हैं। 4 दिन का PC मिला है हमको, उनसे और ज़्यादा इंटरोगेशन की जाएगी, जिससे कि इस पूरे नेटवर्क के बारे में और ज़्यादा चीज़ों का उजागर हो कि इनका रूट्स क्या है, ये कहाँ से लेके आते थे, कहाँ इनको आगे बेचते थे। इस पूरी की पूरी नेटवर्क पर हमारी टीम, जिला पश्चिम की टीम, हमारी DST और कमिश्नरेट की CST टीम काम कर रही है। DCP क्राइम साहब भी, इनकी पूरी टीम हमें पूरा सहयोग दे रही है। सर किस तरह से आगे लीड मिली थी इस पूरे मामले के अंदर?